गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आर टुडेज पॉलिटिकल साइंस क्लास. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ आर लेसन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. आर टॉपिक इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इन दिस बेसिकली इंडिया वी हैव अडॉप्टेड अ सिस्टम जिसमें कि हमने बहुत सारी जो हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई हैं, ठीक है, मतलब जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारी उनको रिजर्व कर दिया गया है. जो हमारे वोटर्स होंगे वो मतलब किसी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो जितनी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं हमारी उनके जो वोटर्स होते हैं वो सब एलिजिबल होते हैं, उन सबको राइट होता है कि वो वोट कर सकेंगे. लेकिन जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो हम थोड़े से स्पेसिफिक कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर सेक्शन से या फिर पर्टिकुलर सोसाइटी से ही बिलोंग करें, ठीक है. जैसे एससी एसटीज जो हो जाते हैं हमारे कैंडिडेट्स, मतलब जितने भी एससीज एसटीज होंगे उनको वोट करने का राइट तो है कि वो किसी को भी वोट कर सकते हैं. लेकिन जब ये इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े होंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाती हैं कि आप इस एरिया से ही खड़े होंगे, ठीक है. इस तरीके के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब प्रोविजंस हैं. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कुछ रिजर्वेशन सीट्स दी हैं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट को, ठीक है. ये प्रोविजन हर 10 ईयर्स में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन जो अब हुआ है वो 2020 तक हमारा चलेगा, ठीक है. एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, हमारे इंडिया की, जिसमें से 84 सीट्स जो हैं वो रिज़र्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स रिज़र्व की गई हैं हमारी शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है. तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाले गए हैं. ये प्रोविजंस बेसिकली किस लिए डाले हैं, ये प्रोविजन इसलिए डाले हैं ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसने इंश्योर किया है कि सभी कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हमारी हमारी गवर्नमेंट में, ठीक है. तो एससी हो गए एसटीज हो गए, तो एक तरह से इनका भी रिप्रेजेंटेशन हमारी गवर्नमेंट में होना चाहिए. ये डिपेंड करता है किस पर, उनकी पॉपुलेशन पर, ठीक है, कितने एससीज हैं कितने एसटीज हैं उनका एरिया वगैरह सब कैलकुलेट करके तब उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है. टू रिजर्व अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर एससी एसटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेलिमिनेशन कमीशन. एक डेलिमिनेशन कमीशन होता है जो ये सब देखता है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एससी एसटीज के लिए रिजर्व की जाती है, ठीक है. जो एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन है उसके साथ साथ ही 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एससी एसटीज के साथ साथ 33% रिजर्वेशन विमेंस को भी दिया गया है, ठीक है. जो आपके नॉर्मल जो लोकसभा वगैरह होते हैं उसमें भी और म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस में भी 33% रिजर्वेशन विमेंस को दिया गया है. आई होप आपको रिजर्वेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा बिकॉज आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6th, 7th, 8th इन सभी क्लासेस में रहा है, 10th में भी था, ठीक है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है, इसमें राइट टू वोट हम सारे ऑल सिटीजन्स ऑफ कंट्री को देते हैं, ठीक है. जो ये राइट है ये विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिया जाता है, मतलब ऑल द अबव 18 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑफ आर कंट्री हैव राइट टू वोट, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप डिसरिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन कास्ट क्रीड, ठीक है. तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो भी अडल्ट मेंबर्स हैं उनमें उनको राइट टू वोट होता है. 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो बना था 1939 में, उसमें क्या था कि उससे पहले
मतलब जो 61th कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था आपका 1939 में, उससे पहले जो हमारी वोटिंग एज होती थी वो होती थी 21, ठीक है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद जो वो वोटिंग एज है वो 18 ईयर्स कर दी गई थी, ठीक है। दैट मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु इज़ 18 ईयर्स और अबव, ठीक है, आर क्वालिफाइड फॉर वोट, या फिर आप कह सकते हैं आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे वो अगर यहाँ इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, या फिर अनसाउंड माइंड है, या बैंक्रप्ट है, तो वो उनको राइट टू वोट नहीं होता है। अदरवाइज और किसी बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बेसिकली बेटा हर चीज़ के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। हर कोई भी आप लॉ बनाते हैं या कुछ भी है, तो उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी होते हैं। तो कुछ मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। पीपल के पास यहाँ पे पूरा राइट है, वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करते हैं और करते भी हैं। कैसे? राइट टू वोट करके, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं ना, बल्कि मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए लोगों को इक्वल राइट, हम यहाँ पर राइट टू वोट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों का बताता है गवर्न प्रोसेस में, कि जो भी कंट्री के लिए प्रोसेस चलाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस इससे बढ़ती है, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली 18 ईयर्स अबव हमारे पास यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हमने एक एज उसकी एक ऐसी कर दी है कि जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी आता है। इससे कुछ हद तक डेंजर ऑफ वायलेंस जो होता है वो रुक जाता है, और हमें इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलता है, ठीक है। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होती है इलेक्शन प्रोसेस में, गॉट इट। अब हम देखते हैं कुछ डीमेरिट्स। राइट टू वोट जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए डेंजर भी होता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किस बेसिस पे आप पॉलिटिकल इक्वालिटी दे रहे हैं, बट ये एक डेंजरस भी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे रहा है, लेकिन ये एक डेंजर भी हमारी सोसाइटी के लिए हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको पॉलिटिकल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या है, एक तरह से अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। जो एक बड़ी गलत बात हो जाती है अगर हम किसी इलिटरेट या किसी को जिसको एफिशिएंसी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, या जिसे नॉलेज नहीं है, उसको बोल देते हैं हम राइट टू वोट, क्योंकि जिसे नॉलेज नहीं है तो वो अपनी राइट्स को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होता है कि बहुत सारे लोग उनकी इस इग्नोरेंस का, इस इलिटरेसी का, या फिर जो गरीब लोग होते हैं उनका फ़ायदा अपनी पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कई लोग होते हैं जो वोटिंग होती है, आपकी वोटिंग बिहेवियर होता है, एवरेज वोटर्स, मतलब इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, या तो कुछ मतलब ब्राइब करके, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जो गरीब है उनको पैसा देकर, इस तरीके से इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कुछ इमोशनल इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसे रिलीजन के नाम पे हो गया, कास्ट के नाम पे हो गया, इस तरीके के इन्फ्लुएंशियल भी इसमें होता है। और ये कहते हैं कि 18 इयर्स के जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, वो हम ये कह सकते हैं कि वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो पॉलिटिकल डिसीजन अपने आप ले सकें। तो जो 18 टू 20 आप मान के चल सकते हो, 20-21 जो मैच्योर एज आती है, तब तक क्या होता है कि ये जो एक तरह से ये बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जैसे जिसको नॉलेज है वो तो चलो कर लेता है, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या होगा, वो इन्फ्लुएंशियल वोट करेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल वोट मतलब जैसे अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आ गए, या फिर अगर किसी विलेज में रहते हैं तो विलेज में बड़ों ने कह दिया कि इसको वोट करना है, तो वो उसी को वोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक्स जो बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।